दोस्तों, कभी कभी हमारी एक छोटी सी लापरवाही हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देती है। कुछ ऐसे ही मेरे साथ कुछ दिन पहले हुआ। मैं कुछ ड्रिल का काम कर रहा था, चेयर पर खड़े होकर स्लिप हो गई और मेरी कमर में मेरी डिस्क के नीचे शायद मेरी कोई नस ऐसी दब गई कि मतलब मुझसे फिर खड़ा नहीं हो गया कि मतलब दर्द इतना बहन था कि मतलब किसी भी एंगल से कोई चैन नहीं मिल रहा था। जैसे तैसे करके मतलब जाग के वो रात गुजारी, लेकिन नेक्स्ट डे डॉक्टर के यहाँ गए और मुझे मतलब ये इतना पेन था कि हॉस्पिटल मुझे है ना लोकप्रिय हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहाँ डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने मुझे एक प्रॉब्लम होती है एक्यूट पीवीआईडी पता है कि आपको एक्यूट पीवीआईडी हो चुकी है और आपकी डिस्क के नीचे कोई नस इस तरह दब गई है कि वो थोड़ा टाइम होने में एक महीना तो लेगी। डॉक्टर ने एमआरआई का सजेशन किया और कुछ उन्होंने दवाई दी। लेकिन डॉक्टर साहब से कहा कि मैं थोड़ा एलोपैथिक दवाइयाँ कम यूज़ करता हूँ, तो मैंने उनसे सिर्फ 3 दिन की दवाई ली और लेके मैं घर आ गया। देखो, आप जब समाज में रहते हो तो आप कुछ लोग बड़े शुभचिंतक होते हैं, तो मेरे किसी शुभचिंतक ने मुझे बताया कि यार तुम इस तरह की प्रॉब्लम में हो तो तुम एक ऑर्गेनिक वेलनेस कंपनी की एक जॉइंट किट आती है, ये किट मैंने मंगाई और ज़्यादा महंगी किट नहीं थी, 1674 रुपये की ये एक किट मिली। इसमें हर्बल कैल्शियम था और इसके अंदर जॉइंट फिट एक वो थी किनवा था और इसमें एक मोरिंगा था और एक हल्दी टर्मरिक सी प्लस ये दवाइयाँ थी। अब तो खाली खाली हो चुकी हैं तो, और मैंने इसको लिया। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे 3 दिन के अंदर इतना बेहतरीन रिजल्ट मिला कि मुझे लगा कि हाँ मैं ठीक होने की स्थिति में हूँ, मतलब ठीक हो जाऊँगा, वरना तो घर वाले इतने परेशान थे कि कुछ ना मतलब। मेरे पड़ोस में ही अभी क्या इस तरह की प्रॉब्लम आई थी और उनका लाखों रुपये खर्च हो चुका था, लेकिन 1 से 1.5 महीना उनको ठीक होने में लगा। सर्जरी तक की नौबत आ चुकी थी, सेम प्रॉब्लम थी। लेकिन मैं धन्यवाद करूँगा ऑर्गेनिक वेलनेस का, जिन्होंने ये इतनी अच्छी किट बनाई है, और आप सब यूज़ करें और इसका फ़ायदा उठाएं और लोगों को बताएं भी। और मुझे भी ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि यार कोई आदमी अगर प्रॉब्लम में है इस तरह की, तो वो मतलब इस किट को यूज़ करें और इसको लोगों को बताए, तो शायद किसी का भला हो जाएगा। डॉक्टर ने तो मुझे है ना MRI तक के लिए लिख दिया था, मतलब कि आपको MRI भी करानी पड़ेगी और उसके बाद फिजियोथेरेपी। हाँ, इस बीच मैंने एक काम जरूर किया, मैंने अपनी